a dog takes three leaps for every five leaps of rabbit if one leaps of dog is equal to three leaps of rabbit then find the ratio of speed of dog to that of rabbit देखो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे यहाँ पे दोनों को सेम टाइम मिला होगा rabbit को भी और dog को भी तो आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस के अगर टाइम दोनों को सेम मिला है तो आप लिख सकते हो कि एस वन अपॉन डी वन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एस टू अपॉन डी टू करेक्ट है तो यहां से अपॉन अपॉन का रेशियो आपको मिलेगा सिंपली के। अब दोनों के केस को कंपेयर कर लो मान लो ये डॉग है और ये रेबिट है क्वेश्चन में है कि जब डॉग थ्री स्टेप लेता है तो रेबिट फाइव लेता है तो डिस्टेंस के केस में कैसे कंपेयर कर लोगे यहाँ पे डिस्टेंस अगर डॉग ने थ्री ट्रेवल किया है थ्री डी तो यहाँ पे रैबिट कितना ट्रेवल किया होगा फाइव आर ये डॉग डी और रैबिट को बता रहा है अब क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि के लिप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू स्टेप्स ऑफ रैबिट तो डॉग का वन स्टेप है ना वन डी वो इक्वल है थ्री स्टेप्स ऑफ रैबिट के तो आप क्या करो इसको चेंज कर दो थ्री डी को रैबिट के टर्म्स में चेंज कर दो तो यहाँ से आप थ्री डी को क्या लिख सकते हो हम इंटू वन डी का वैल्यू थ्री आर क्या है तो ये कितना हो जाएगा थ्री आर और डिवाइडेड बाई क्या है तो रैबिट कितना ट्रेवल करेगा वो फाइव सो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा नाइन इंस टू फाइव ऑप्शन नंबर बी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इफ यू लाइक वीडियो डू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर द चैनल विद फ्रेंड्स